नमस्ते दोस्तों। दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं और जिन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी भी होता है और टाइम टू टाइम करना भी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने डेकोरेटिव आइटम्स, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे कोई पीस है या कोई मूर्ति है, उसे कैसे साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट कर लिया है। दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ों को या तो आप एक एक करके धोइए, साफ़ कीजिए, और अगर एक एक करके साफ़ नहीं कर रहे हैं, एक साथ साफ़ कर रहे हैं, तो सबको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपने सारे आइटम्स को, जो भी मुझको वॉश करने हैं, साफ़ करने हैं, उन सभी को मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया है। अब इकट्ठा करने के बाद क्या करना है, मैं इन सबको ना अलग अलग कैटेगरी में मैं डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जिस चीज़ से ये बना है, वो अलग अलग होती है। और इसमें देखिए कुछ चीज़ ना टूटी भी पड़ी हैं, यानी कि अलग हो गई हैं, जिन्हें मुझे सही करना है, चिपकाना है। लेकिन पहले मैं इन्हें वॉश करूँगी और फिर उसके बाद ही मैं इन्हें सही करूँगी। अब सबको कैटेगराइज कर लीजिए, जैसे कि जो फैब्रिक के फ्लावर्स हैं उनको अलग कर लीजिए, जो मूर्तियां हैं उनको अलग कर लीजिए, क्योंकि मूर्तियों को क्लीन करने के लिए अलग तरीके से हम करेंगे उन्हें क्लीन, और जो प्लास्टिक के फ्लावर होते हैं ना, उनको हम कैसे भी रफ़ एंड टफ वॉश कर सकते हैं, और जो फैब्रिक के होते हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा अलग तरीके से साफ़ करना होता है। और कुछ फ्लावर ना फोम के भी होते हैं, जैसे मेरा ये फ्लावर है, ये फोम का है, इसको अलग से ही साफ़ करना होता है। सबको अलग अलग कैटेगराइज कर लिया है, अब बारी आती है इन्हें वॉश करने। अब मैंने एक बकेट में पानी लेकर इजी डाला है, क्योंकि हम मेरे जो फ्लावर्स हैं थोड़े कपड़े के ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मैंने इजी डाला और उसको इजी में ना मैं सबको वॉश कर लूँगी। कुछ तो फ्लावर ऐसे हैं जिन पर धूल जम जाती है, जो कि फैब्रिक के होते हैं, वेलवेट के होते हैं, तो उनको क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैंने प्लास्टिक के फ्लावर्स लिए हैं, इनको मैं, ये पौधे हैं आर्टिफिशियल, इनको चाहे आप जैसे भी वॉश कर लीजिए, रगड़ लीजिए, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनकी धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो इन सब को मैंने एक एक करके प्लास्टिक के फ्लावर्स को वॉश कर लिया है, मतलब अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इजी के पानी में ही मैंने इन्हें वॉश किया है। ये कुछ जैसे फैब्रिक के फ्लावर्स होते हैं ना, इनको हल्के से हाथ से ना ऊपर से रब कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा रगड़ने की तो ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हल्के हल्के हाथ से अगर आप ऊपर इनको रब कर देंगे ना, तो थोड़ी बहुत जो धूल इन पर जमी रहती है वो साफ़ हो जाती है। ये फूल जो है ये फोम का है, तो इस पर धूल भी बड़ी जल्दी जम जाती है, तो इसको थोड़े अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया है। देखिए दोनों फूल बड़े अच्छे से साफ़ हो गए हैं और इनमें एक अलग सी शाइन आ गई है। जो वेलवेट के होते हैं ना, उन पर भी बहुत जल्दी धूल जम जाती है, तो उनको भी थोड़ा सा रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने अपने इस फूल को, जो कि गुलाब का है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, इसको मैंने इसी तरह से साफ़ किया। और कुछ इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उन पर आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो उनको तो जल्दी जल्दी क्लीन कीजिए और पानी में, डिटर्जेंट के पानी में ऐसे ही डिप करके उनको वॉश कर लीजिए। अब साफ़ पानी में मैंने इन सभी को वॉश कर करके एक टोकरी में रख लिया है। इन सबको एक टोकरी में रखने के बाद मैं इन सबको बाहर सुखाने के लिए रख दूँगी। वो तो मैंने फ्लावर सुखाने के लिए डाल दिए हैं, लेकिन अब जो मेरे ये डेकोरेटिव पीस हैं, इनको मुझे साफ़ करना है, क्योंकि मैं इन्हें रेगुलर बेस पर साफ़ करती रहती हूँ, तो इन पर इतनी धूल नहीं जमती है, इसीलिए मैंने इन पर सिर्फ कपड़ा मारा है।
कपड़े से साफ हो गया, लेकिन अगर इन पे ज़्यादा धूल लगी हुई है तो आप ना इनको लिक्विड जो आता है ना डिशवॉशर, उससे बिल्कुल साफ कर सकते हैं, क्योंकि इनके कलर वगैरह ऐसे होते हैं जो हटते नहीं हैं, तो आप उनको वैसे भी साफ करते कर सकते हैं और ये बिल्कुल चमक जाते हैं। मेरे इतने गंदे नहीं थे इसलिए मैंने इनको सिर्फ कपड़े से ही साफ किया। अब जो कि प्लांट मेरा टूटा हुआ था, अब ये सूख चुका है, अब मैं इसको जोड़ दूंगी। मैंने ये यहाँ पर फेवी बॉन्ड लिया है और फेवी बॉन्ड को ना मैंने इस पीस के अंदर लगा दिया है और इसको मैं इसकी स्टेम में लगा दूंगी। सारे जितने भी इसकी स्टेम्स टूटी पड़ी हैं उन सबको ना मैं इसमें जोड़ दूंगी। दोस्तों ऐसे ही अगर हमारे घर में कोई चीज़ें टूट जाती हैं तो उन्हें फेंकने से पहले हमें उन्हें एक बार सही करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हो सकता है वो चीज़ें फिर से वैसी ही हो जाएं जैसी वो आई थी। देखिए ये पूरा जुड़कर और साफ होकर कितना सुंदर लग रहा है। फ्लावर्स सारे सूख चुके हैं, अब बारी आती है उनको उनकी जगह पर रखने की, एडजस्ट करने की और उनके उनके फ्लावर पॉट में रखने की। सबको मैंने उनके फ्लावर पॉट में रख दिया है, सेट कर दिया है। देखिए दोस्तों सारे फ्लावर्स डेकोरेटिव आइटम्स क्लीन होकर कितने सुंदर लगते हैं, और जब इन पर धूल चढ़ी रहती है तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। चाहे प्लास्टिक के हैं चाहे कपड़े के हैं, उनको साफ करना है। अब सबको मैं उनकी जगह पर सेट करके रख दूंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अपने घर को हमेशा सजाते रहिए, साफ रहिए।